आज का हमारा सैटरडे प्राकृतिक चिकित्सा का दिन और हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांतों का जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें आज जो है प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांतों का क्रम चौथा जो सिद्धांत है उस पर हम आएंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी पार्ट 4। अब तक के जो हमने तीन सिद्धांतों की चर्चा की, फटाफट से मैं बता देती हूँ कि नंबर 1 हमारा कि सभी रोग एक है, सभी रोगों का कारण एक है, यानी कि विकार। और जब हम विकार को दूर कर देते हैं, अपने शरीर से निकाल देते हैं, तो रोग का निवारण हो जाता है। तो कारण एक, निवारण एक। और दूसरा सिद्धांत हमने जिसकी चर्चा की थी कि कीटाणु रोग का कारण नहीं है, हमारे भीतर की जो एक अनहाइजीनिक और इम्प्योर और विकार युक्त स्थिति जो होती है वो हमारे शरीर को ब्रीडिंग ग्राउंड बनाती है उन जर्म्स को पनपने के लिए, फलने फूलने के लिए। तो बेसिकली दीज आर नॉट द प्राइमरी कॉज ऑफ डिसीज, दीज आर द सेकेंडरी, जर्म्स आर द कॉज ऑफ डिसीज। और थर्ड हमने जिस सिद्धांत की चर्चा की थी कि तीव्र रोग हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। द एक्यूट इलनेसेस आर फ्रेंड्स, यानी कि ये एक्यूट इलनेसेस आर नेचर्स व्हाट वी से प्रकृति का एक प्रयास है, चेष्टा है हमारे शरीर के गंदगी को बाहर निकालने की। सो इस तरह से जब रोग आए तो उनको दुश्मन ना समझे, अपना मित्र समझे, कि वो हमें चेताने आए हैं कि आपके शरीर में विकार हो गया है, तो अब समय आ गया है अपनी गलतियों के सुधार करने का। तो तुरंत ठिठक जाइए और अपनी गलतियों को और अपने प्राकृतिक नियमों पर जो है उस पर आ जाइए। आज का जो है हमारा जो चौथा सिद्धांत आधारभूत प्राकृतिक चिकित्सा या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी का चौथा सिद्धांत, नेचर इटसेल्फ इज अ डॉक्टर, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। और इसके लिए चलिए एक बार स्वास्थ्य मंत्र का मैं चाहूंगी कि सभी लोग, अभी तो आप लोग साधना मोड में ही हैं, रिलैक्स हैं, तो एक बार अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं स्वास्थ्य मंत्र बोलने का मेरा मन है। यदि आप लोग भी सब मिलके करें तो बहुत अच्छा लगेगा। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावय श्रावय मम सर्वरोगान् प्लावय प्लावय ठ स्वाहा। प्रकृति यानी के स्वास्थ्य की देवी, अमृत की देवी हमारे ऊपर निरंतर स्वास्थ्य रूपी अमृत का स्राव करती रहती है और हमारे भीतर के रोगों का निष्कासन निरंतर करती रहती है। प्रकृति का पथ वह पथ है जिस पर चलकर कोई भी प्राणी जीवन की परिपूर्णता को और जीवन के सच्चे आनंद को और जीवन के ध्येय को प्राप्त कर सकता है। और क्यों नहीं, दयामय परमेश्वर और उनकी कल्याणी प्रकृति अपनी छत्र छाया में प्राणी मात्र को जो उन पर विश्वास करता है आश्रय प्रदान करने के लिए सदैव प्रस्तुत कर रहती है। नेचर इज ऑलवेज देयर फॉर यू। वंस यू हैव फर्म बिलीव इन द पावर ऑफ नेचर एंड यू सरेंडर टू द हीलिंग पावर्स ऑफ नेचर, नेचर विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। और यहाँ तो जो आया उसे अभय दान मिला, जो भी प्रकृति के शरण में आता है वो निश्चित रूप से स्वास्थ्य को अवश्य ही पाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ वार्ड से किसी ने पूछा कि संसार में सबसे ज्यादा तंदुरुस्त और स्वस्थ व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया, वे लोग
जिनका रसोईया स्वयं प्रकृति होती है, और चिकित्सक जिनके लिए वायु, प्रकाश, जल आदि तत्वों के अतिरिक्त और कोई डॉक्टर नहीं होता। व्यायाम, सात्विक भोजन के अतिरिक्त किसी भी अन्य दवा का प्रयोग ही नहीं करने की आवश्यकता होती ऐसे व्यक्तियों को जो इस तरह से प्रकृति के साथ मिलकर चलते हैं। और इसका ज्यादा दूर, इसका प्रमाण पाने के लिए हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने बड़े बुजुर्ग जो हमारे दादा दादी नाना नानी 90s और इतनी एज तक वो बिना किन्हीं दवाइयों पर चले हुए, बस प्राकृतिक जीवन के साथ संयमित भोजन करते हुए और उपवास रखते हुए और जीवन का स्वास्थ्य लाभ पाते हुए पूरे जीवन भर बिल्कुल भी दवाइयों पर आश्रित ना होते हुए और सदा स्वस्थ रहते और अंतिम दिन तक वो मैंने देखा है कि अपने चाहे कोई भी कार्य, किचन के कार्य अपना जो है सारे संपूर्णतः तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से निर्वाह करते हैं। तो ये तो तय है कि रोगों की के अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपको प्रकृति को ही उसमें विश्वास और अपना श्रद्धा पूरी रखनी पड़ेगी। अच्छा, रोगों की उत्तम चिकित्सा प्रणाली को कौन सी प्रणाली ऐसी है जिसको आप मानेंगे कि ये चिकित्सा पद्धति उत्तम है? हम लोग ब्लाइंड फोल्डेड होके, जिसे कहते हैं कि हमें जो थेरेपी हमें कही जाती है हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं, उसे समझने की भी कोशिश नहीं करते। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं वो मूलभूत सिद्धांतों को समझाते हैं कि उन नियमों को समझिए, पहले उसको तोलिए और उस पर चलिए, आपको पूर्ण विश्वास हो, और आप जब करते हैं तो विश्वास और दृढ़ होता चला जाता है। सच्ची प्रणाली, चिकित्सा प्रणाली कौन सी होगी, कौन से मुख्य गुण हैं जो एक अच्छी सही प्रणाली के भीतर रोग मुक्ति के लिए होने चाहिए, उसमें शोधक गुण होना चाहिए, शामक गुण होना चाहिए और पूरक गुण होना चाहिए। ये तीन गुण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो कि किसी भी चिकित्सा प्रणाली में होने चाहिए। और ये हमारे चिकित्सक सबसे, जिसे मैंने कहा कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, और ये तीनों गुण हमारे में मल विकार एकत्रित निरंतर होते रहते हैं, तो हमारी ये प्रकृति शोधक गुण जिसके अंदर है, विकारों को जैसे मैं अपने पुराने लेक्चर्स में करती आई हूं कि हमारी निष्कासक की क्रिया हमारी प्रकृति निरंतर करती रहती है, तो ये तो प्रकृति का शोधक गुण हुआ। शामक गुण, अब कभी आप जो है धूप में आप चलकर आते हैं तो शीतल जल पीने से क्या आनंद आता है आपको, प्रकृति के तत्व, नंगे पैर अगर आप हरी घास पे चलते हैं और जब आप तारों की छाओ में आप कभी सो के देखिए, जो क्वालिटी ऑफ स्लीप एक रूम में सोने की और प्रकृति के एक जिसे कहते हैं असीम स्काई के नीचे और तारों की छाया में कभी रात को, ऐसा सौभाग्य मुझे अपने बचपन में छत पे सोने का मिला, आप लोगों में से भी कईयों ने ये सुख भोगा होगा। वो क्वालिटी जो है स्लीप की, कुछ ही घंटों में इतनी बढ़िया नींद आती है जो आपको कमरों में 8-10 घंटे की भी नींद भी वो फ्रेशनेस नहीं देती है। तो ये कितना शांतिपूर्ण और सूदिंग गुण प्रकृति के अंदर है। और पूरक गुण, हमारी प्रकृति के जितने भी जन्य भोज्य पदार्थ हैं, चाहे वो फल सब्जियां, उन सभी में विटामिन्स मिनरल्स भरपूर हैं और ये हमारे जो है हमारे को पोषक देती है, तो ये प्रकृति का पूरक गुण है, हमें पूरक करने के सारे गुण उसमें विद्यमान है। तो यानी कि ये तीनों गुण आप टटोल के देखिए, इसके अलावा कौन सी ऐसी पद्धति है जो कि शोधन भी करे, शामक गुण भी हो और जिसके अंदर पूरक गुण भी हो, यानी कि एलिमिनेटिव क्वालिटी भी है, सूदिंग क्वालिटी भी है और कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी भी है।
आप पूरा अपना दिमाग दौड़ाइए, और यदि किसी को ऐसी चिकित्सा प्रणाली का अगर किसी को पता चले, चैलेंज करती हूं मैं, वो मुझे बताए, फिर मैं भी सुनना चाहूंगी कि मेरी नॉलेज में हो सकता है ऐसी कोई पद्धति ना हो। मैं सिर्फ प्रकृति को ही सर्व श्रेष्ठ मानती हूँ, क्योंकि ये तीनों गुण हमारी प्रकृति में है, और इसीलिए प्रकृति ही हमारी बेस्ट, जिसे कहते हैं नेचर इज द बेस्ट डॉक्टर, प्रकृति से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं। और इस तरह से हम जो है जीवन में यदि इन प्राकृतिक तत्वों का समावेश अपने जीवन में करें, तो हम जो है रोगों से जरूर ही मुक्ति पा सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में ये माना जाता है कि जीवन का संचालन जो है एक विचित्र, आश्चर्यजनक और सर्वशक्तिमान शक्ति द्वारा होता है। ये तो आप सब मानते ही हैं, एक दिव्यता हम सबके भीतर है। अभी भी मैं बोल रही हूं, ये शक्ति मेरे अंदर, वो उस ऊर्जा से, वो डिविनिटी है जिसके थ्रू, और वो यदि शक्ति मेरे अंदर अभी खत्म हो जाए, तो वो जो है हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए। और ये जो है प्रत्येक के जीवन के पास रहकर उसके जन्म से मरण, स्वास्थ्य, रोग आदि सभी बातों की देखभाल करती है। इस महान शक्ति को प्राकृतिक चिकित्सक जीवन शक्ति, ईश्वरवादी जो है वो ईश्वर शक्ति, और अनिश्वरवादी उसे प्रकृति कहते हैं। और यही शक्ति जब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने की जरूरत समझती है, तो रोग उत्पन्न करती है। जैसे मैंने कहा, एक्यूट इलनेसेस हमारी प्रकृति की चेष्टा है हमारे शरीर से विकारों को निकालने की, और फिर वही शक्ति उस रोग से मुक्ति देकर आरोग्य भी प्रदान करती है। चिकित्सा केवल वही शक्ति है जो हमारे भीतर वास करती है, केवल वही हमारे स्वास्थ्य को कायम रख सकती है और रोग को दूर कर सकती है। भगवान का श्री गीता में ये एक श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राणापानः समायुक्तः पञ्चमय अन्न चतुर्विधम। यानी के इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं ही समस्त प्राणियों की देह में वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान समीकरण और बहिष्करण, इन दो प्राण धारक क्रियाओं से युक्त और अन्न द्वारा, यानी के और ज्यादा मैं थोड़ी सिंपल भाषा में बता दूं, बड़ी शुद्ध हिंदी चल रही है, तो हमारे भीतर जो हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं जो वर्क करते हैं, चाहे वो पाचन है, चाहे वो अवशोषण है, निष्कासन है, तो हमारे भीतर वो अग्नि, वो शक्ति जो हमारा भोजन पचाती है, जो भोजन हमें अवशोषित करती है, ये वही दिव्य शक्ति है जो हमारे भीतर अलग अलग रूपों में अलग अलग कार्य संपादित करती है। और हमारे जो है अंदर की शक्ति जो है उसके फलस्वरूप ही होती है, और न केवल शारीरिक विकारों को बल्कि मानसिक विकारों को भी दूर करने वाली ये शक्ति है। हम मंत्र मुक्त होकर रह जाते हैं जब हम सोचते हैं कि प्रकृति ने किस कौशल और किस बुद्धिमानी से मानव शरीर की रचना की है। हमारा मस्तिष्क, नाड़ी मंडल, हृदय और लिवर और इतने संस्थान में जितने भी अंग हैं, उनके निर्माण और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमारे भीतर जो व्यवस्था है वो इतनी अद्भुत है कि हमें तो उसका आभास भी नहीं होता। और अंदर भीतर हमारे भीतर किसी अंग की कोई रिक्वायरमेंट होती है या कोई हार्मोन कम या ज्यादा होता है, तो प्रकृति उसका भरपाई स्वयं करती चली जाती है। कहाँ से क्या जो है रसायन लेने हैं और हमारे शरीर को नियंत्रित करना है ताकि हम निरंतर चलते रहें, हम अपने कार्य संपादित करते रहें, उसमें निरंतर ये प्रकृति जो है लगी रहती है। जीवन शक्ति जो है इन्हीं वस्तुओं के योग से रोग होने पर रोगों का शमन भी करती है, और जन्म से मरण तक यही शक्ति शरीर के निर्माण में, सुधार में और काम करती रहती है। और हम लोग अज्ञानवश
हम लोग इस शक्ति को ना समझते हुए और जो प्रकृति के रास्ता है उसमें हम स्वयं रोड़े अटकाते हैं अपनी अज्ञानतावश, जो भोजन हमारे प्रकृति के कार्य में व्यवधान डालते हैं उस प्रकार के हम भोजन करते हैं और हम उस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते और हम स्वयं रोगों को आमंत्रित करते हैं। तो इस बात का हमें जरूर अपने दिमाग में ये ध्यान देना चाहिए कि रोग किसी बाहरी कारण से नहीं कि कोई ठंड हो गई तो इसलिए हमें जुखाम लग गया, या हमारे जो है बहुत गर्मी हो गई तो फोड़े फुंसी हो गए, या बरसात है तो उसके कारण, बाहरी कारण कोई भी नहीं है। हमारे स्वयं के जो हम करते हैं, जिस प्रकार से हम जीवन यापन का हमारा, जिसे कहते हैं आजकल तो लाइफस्टाइल डिसीजेस नाम ही दे दिया गया है, क्योंकि लाइफस्टाइल में ही हमें परिवर्तन करना है और लाइफस्टाइल को ही हमें ऐसा बनाना है जो हमारी इस प्रकृति रूपी डॉक्टर को सहयोग दे, ना कि प्रकृति की एक राह है और हम दूसरी राह में चल रहे हैं। तो बताइए स्वास्थ्य लाभ कैसे होगा, हम कभी भी उस प्रकृति की क्षमता का भरपूर फायदा ही नहीं उठा पाते, उसकी शक्ति को यूं ही गवाते रहते हैं और बिना भूख के भोजन करते हैं, जितनी हमारी पाचन शक्ति नहीं है उससे कहीं अधिक भोजन करते हैं और प्रकृति के काम में रोड़े अटकाते रहते हैं। और साधारण से साधारण बुद्धि भी इसे स्वीकार नहीं कर सकती कि हमारा जो रचयिता प्रभु है हमें संसार में जो पैदा करता है और हमें अन्न वस्त्र देता है, पर रोगी होने पर उससे मुक्ति पाने के लिए हमारे को शक्ति कोई ना दे, ऐसा कहीं हो सकता है? जो ईश्वर हमें बना रहा है तो क्या उसने ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया होगा कि यदि कोई त्रुटि आ जाए तो उसका भी समाधान उसने हमारे अंदर फिट करके ही भेजा है? बस बात इतनी सी समझनी है कि हमारा जो अटूट विश्वास, हम सोचते हैं कि अरे हमें प्रॉब्लम हुई हम दवाई की तरफ भागते हैं, इतना अंधविश्वास हमें बाहरी चीजों पर है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो उस ईश्वर ने हमें बनाया है तो वो क्या इतनी बड़ी गलती कर देगा, भूल कर देगा कि हमारे भीतर अगर कोई त्रुटि है तो उसका रिपरेटिव मैकेनिज्म हमारे भीतर क्या नहीं होगा? जरूर है, और वही है सच्चा डॉक्टर। और बाहरी दवाइयां आपका कोई इलाज नहीं करती, वो एक भ्रम होता है, वो एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, लेकिन असली जो आपका जो उपचार है, जो हीलिंग है, वो आपका शरीर स्वयं करता है, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। इसके चलिए कुछ और उदाहरण जो है हम ले लेते हैं। देखिए हम पानी पीने बैठे तो पानी पीते वक्त जो है हवा की नली में अगर पानी चला जाए किसी कारणवश तो तुरंत हमारी प्रकृति क्या करती है, वो खांसी पैदा करके और उसको ठीक करने का प्रयास करती है। जब कोई तंबाकू या कोई जहरीली वस्तु या कोई हम जो है बासी या खराब हुई चीज जो है वो पेट में चली जाती है तो वॉमिटिंग के जरिए तुरंत जो है बॉडी उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती और उसको बाहर निकलने का प्रयास करती है। घाव हो जाने पर आपको वूम्स हो जाते हैं तो उसे कौन भरता है? हम उसकी थोड़ी बहुत ड्रेसिंग कर देते हैं। अगर हम ड्रेसिंग ना भी करें, अगर उस घाव को सिर्फ पानी की पट्टी से और साफ रखें, देखेंगे कि आप वो घाव स्वयं भरेगा। अब जो जानवर हैं उनके चोट लग जाती है, आपने कभी देखा होगा घर के पालतू जानवर वो जबान से उस घाव को बार बार साफ करते रहते हैं और कालांतर में वो घाव अपने आप भरता है, तो उसे जो है कौन उसको भरता सही करता है? और हमारे हड्डी टूटने का एग्जाम्पल मैं बार बार देती हूँ कि डॉक्टर हड्डी नहीं जोड़ता, मेडिसिन हड्डी नहीं जोड़ती, वो हमारी भीतर की, हम तो उसकी प्लेसिंग कर देते हैं और उस पर जो है इमोबाइल कर देते हैं प्लास्टर के जरिए, लेकिन उसके भीतर जो मांस बनना है, मज्जा बनना है, उसका रक्त, उसको पोषण, उसकी कितनी मोटी से मोटी हड्डी किसी अंग की भी हो, इतनी मोटी हड्डी और इतनी हार्ड जो है हमारी बॉडी कर सकती है, तो ये छोटे मोटे फोड़े फुंसी या जितने भी जो है
तो उसके उसका इलाज भी हमारी प्रकृति स्वयं कर सकती है। और फुंसी से लेकर चाहे वो दमा है, अस्थमा, आर्थराइटिस और बीपी, डायबिटीज, जितने भी रोग हैं, सभी रोग शरीर शुद्धि के लिए प्रकृति के ये प्रयास हैं और बॉडी स्वयं जो है उसको हील करती है। और ये तो हमने अपने कैंप्स में अनुभव किया ही है, डायबिटीज के पेशेंट, बीपी के पेशेंट 3 दिन प्राकृतिक आहार विहार करते हैं, योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और प्राकृतिक आहार तालिका जो मैं उनको देती हूँ, लाइफस्टाइल रिवर्सल डाइट प्लान जो उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो क्या होता है उसको खाने से उनके 3 दिन के बाद ही उनका जो हाई ब्लड शुगर लेवल है वो डाउन होना चला जाता है। बीपी जो है 6-6 दवाइयां 7 दिन के कैंप में, यकीन मानिए, जो व्यक्ति एक पुराने समय की बात, जब हमारा केंद्र खुला हुआ था, कोई हमारे सूरत से व्यक्ति आए थे और वो 6-6 दवाइयां बीपी की खाते थे, और जब उन्होंने 7 दिन का हमारा यहाँ पे अध्यात्म साधना केंद्र में कैंप अटेंड किया, उनकी 6 की 6 मेडिसिन, कैन यू बिलीव इट। अब इसमें बिलीव से ज्यादा समझने की जरूरत है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि प्रकृति ही हील करेगी, प्रकृति ही इलाज करेगी, आप ही लोग जबरदस्ती दवाइयों के गुलाम बनना चाहते हैं, तो और जबकि वो दवाइयां जो है सिम्टम्स को सप्रेस कर रही हैं, वो रूट से। एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए, आप में से कोई ऐसा है जिसने दवाइयां खा के अपने रोग मुक्ति पा ली हो? एक भी व्यक्ति? होता यह है कि व्यक्ति एक रोग के लिए डॉक्टर के पास जाता है और धीरे धीरे वो एक टैबलेट से कब 2 टैबलेट, 1 टैबलेट खाई जी इससे एसिडिटी होगी, इसके साथ एक डॉक्टर कहता है दूसरी दवाई भी खा लो, चलते चलते अरे अब जो है साथ में बीपी की मेडिसिन भी जुड़ गई, अरे डायबिटीज और हाई बीपी आपका है, हार्ट अब आपका जो है उस पर प्रेशर पड़ रहा है, इसकी दवाई भी ले लीजिए, तीसरी चौथी दवाई भी ऐड हो गई, अरे वो दवाई खाई उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, चलिए अब इसकी भी मेडिसिन खा लीजिए, वो खाई उससे कोई और अन्य बीमारी हो गई, तो ये विशेष सर्कल चलता चला जाता है। यानी कि आप देखिए कि रोग दूर नहीं हुआ, रोग जड़ से नहीं गया, आप पहले कम पोटेंसी की दवाई खाते थे, अब वो बेअसर हो रही है, आप उससे हायर पोटेंसी की खा रहे हैं, रोग वही का वही है, क्योंकि रोग का जो निवारण है वो तो प्रकृति के पास है और आप तो प्रकृति से दूर जाते जा रहे हैं, आप दवाइयों के नजदीक जाते जा रहे हैं और प्रकृति से दूर हो रहे हैं। और हम सिर्फ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रकृति ही, नेचर ही डॉक्टर है, उस पर विश्वास करिए। शुरू में थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, दवाई देखिए, दवाई पर विश्वास क्यों हो जाता है, आप दवाई खाते हैं तुरंत अरे वाह ग्लूकोमीटर में शुगर डाउन हो गया, मेरी दवाई ने कमाल कर दिया, लेकिन कभी आप सोच के देखिए कि जो 250 शुगर था वो 150 कैसे हो गया, वो जो 100 शुगर था वो कहाँ गया, दवाई ने उसे कहीं अन्य भाग में छुपा दिया, लेकिन वो है तो आपके भीतर ही, इसीलिए फिर कालांतर में आपकी किडनी अफेक्ट होती है, आपकी आईज, क्योंकि शुगर वही का वही है, आपने जड़ से उसको नहीं निकाला, आपने सिर्फ सिम्टम को क्योर किया, यानी कि जड़ वही है, सिर्फ तना और पत्ती काट दी तो वो फिर से पत्तियां आएंगी, फिर से तना होगा और यही होता है। तो हमें क्या करना है, प्रकृति माँ की शरण लेकर और प्राकृतिक तरीकों पर और प्रकृति को स्वयं डॉक्टर, क्योंकि उस ईश्वरीय कृत ये अद्भुत शरीर है तो उसकी क्षमता भी अद्भुत है, मिराकुलस है, उस पर हमें विश्वास रखना है, रादर देन हम दवाइयों के पीछे भागे, एक दवाई से नहीं हो रहा दूसरी दवाई के, उन सब का रास्ता छोड़कर हमें जो है प्रकृति की विधियां जो हैं उनको अपना है। और सदा स्मरण रखना चाहिए कि रोगी को रोग से मुक्ति अपने आप ही मिलती है, रोगी के रोग का निवारण उसका शरीर स्वयं करता है, प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य केवल इतना होता है वे शरीर से इस कार्य में उस प्रकृति की मदद करती है और रोग निवारण की शक्ति को और अधिक पूर्ण और उसका जो है उसका विकास करती है, जो कि हम अपने लाइफस्टाइल से ये प्रकृति की क्षमता जो है क्षीण करते चले जाते हैं। जब हम अननेसेसरी जो है जंक खाते हैं, लाइफस्टाइल में हमारे स्ट्रेस बहुत है, तो उससे हमारी प्रकृति की शक्ति क्या है,
धीरे 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 वो कम होती चली जाती है। और जब हम प्रकृति की शरण में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जाएंगे तो वहां वही हवा, मिट्टी, पानी, ये सारे टूल्स इस्तेमाल करके हम ये कहते हैं कि हम वी डू नॉट केयर, द फिजिशियन डज नॉट केयर, ओनली नेचर केयर्स नॉट द फिजिशियन, वी एज फिजिशियन वी ओनली एड नेचर। हम कभी दावा नहीं करते कि हम सही इलाज कर रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ प्रकृति का सहयोग कर रहे हैं, प्रकृति के कार्य से अड़चने हटाकर उसके कार्य में व्यवधान ना डालकर उसके ही रास्ते को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फास्टिंग के द्वारा हो, चाहे वो हाइड्रोथेरेपी के द्वारा हो, चाहे वो सन थेरेपी के द्वारा हो, और चाहे वो अन्य जो सारे प्राकृतिक चिकित्सा की मॉडलिटीज होती हैं उनके द्वारा हो। तो इस प्रकार से प्रकृति ही स्वयं चिकित्सक है, इस बात को अपने मन में घर कर लीजिए। जैसे ही कोई अगर प्रॉब्लम होती है, छोटी सी प्रॉब्लम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पेट में दर्द हुआ है बड़ी जबरदस्त तरीके से, बजाय डॉक्टर के पास भागने के, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है, डॉक्टर भी पैरासिटामोल दे देगा, दर्द का सिम्टम को शांत कर देगा, इससे बढ़िया आप एक चम्मच अदरक का रस लीजिए। ये मैं बता रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपके अचानक किसी दिन पेट में बहुत जबरदस्त तरीके से दर्द हो रही है और जैसे स्पैज्म टाइप हो रहा है और अनबियरेबल पेन हो रहा है, कई बार तो वो पेन जो है छाती तक आ जाता है और लोग सोचते हैं कि ये हार्ट अटैक है, उस टाइम क्या करना है आपको, एक चम्मच अदरक का रस, अदरक घर में होती है सबके, उसको लीजिए, मॉर्टल में 5 मिनट कूटिए और फिर उसको जो है कपड़े से स्क्वीज कर दीजिए। एक चम्मच अदरक का रस, एक चम्मच पुदीने का रस, दोनों को मिक्स करके पी जाइए, आपका जो है पेट दर्द तुरंत शांत हो जाएगा। अगर ये स्टेप वन काम नहीं करता तो स्टेप टू पर आइए, ठंडे टॉवल की पट्टी पेट पर 10 मिनट तक रखिए, एक चाहे अब गर्मी होती तो मैं कहती चलो आइस कोल्ड वाटर में रख लो, लेकिन अब जैसे ठंडा मौसम है तो साधारण टैप वाटर में आप टॉवल को भिगाइए, टॉवल की दो लेयर्स को रैप करके वो इतनी लेयर बन जाती है कोई भी बड़ा टॉवल, और उसको जो है इतना बड़ा होना चाहिए ताकि आपका पूरा जो है पेट है उसके लीवर पैनक्रिया पूरा अच्छे से कवर हो जाए, और उसको जो है आप वेट टॉवल कंप्रेस आप रखिए, उसको 3 मिनट बाद उसको फिर पलट दीजिए, फिर दूसरा टॉवल ले लीजिए, तो 10 मिनट भी करेंगे ये टॉवल की आप 10-15 मिनट तो आपका पेट दर्द चला जाएगा। तो कितना आसान है प्रकृति के साथ चलना, ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन सब चीजों का प्रकृति के, जबकि मेडिसिन आप खाते हैं एक दवाई एक रोग के लिए, उसका साइड इफेक्ट आपके भीतर अन्य कई रोग पैदा कर देता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है इस बात पर बिल्कुल फर्म बिलीव करिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं। और यदि कोई ऐसा कोई डॉक्टर है, मैंने जैसे आपको कहा जिसमें शोधक, शामक, पूरक ये तीनों गुण है, तो प्लीज मुझे जरूर बताइए, हो सकता है मैं ना जानती हूँ, आप में से कोई ऐसा डॉक्टर जानता हो। तो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज बताएं जरा, यदि कोई प्रश्न है तो जरूर स्वागत है। आज नौलखा जी किधर है? उनके पास सदा प्रश्न होते हैं मैम। हाँ, जैसे मेरी फ्रेंड है, उनका अभी ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, तो उनको बहुत पेन होती है, वैसे तो शीज डॉक्टर और दवाई ले रही है, लेकिन जैसे अभी आपने बताया प्राकृतिक चिकित्सा से ये टॉवल वाली बात, तो जैसे क्या होता है कि उस अंग पे नहीं रख सकते, मतलब पेट पे या कमर पे, ऐसे वो करने से ये फायदा करेगा उन्हें? अब उनकी क्या ऑपरेशन हुआ है, क्या समस्या है, ये बहुत सारी बातें हैं। गोल्ड ब्लैडर निकाला है, वो गोल्ड ब्लैडर निकाला है। ओके। नहीं नहीं, गोल्ड ब्लैडर नहीं, क्या बोलते हैं उसे, यूट्रस निकाला है और हर्निया का ऑपरेशन हुआ है। ओके ओके, दैट्स अ बिग ऑपरेशन, बोथ द थिंग्स। हाँ, तो उनका डिपेंड करता है कितना समय हुआ है, तो आगे भी आप इनका, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर सबके पास है, आप लोगों के पास, ठीक है।
तो आप प्लीज उससे मैं बता दूं कि मैं पूरी कंप्लीट हिस्ट्री लेके मैं अच्छे से आपकी मदद कर पाऊंगी, न केवल मैं डाइट के बारे में भी कुछ टिप्स दूंगी और मैं प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में भी टिप्स दूंगी और उससे जरूर लाभ होगा, डेफिनेटली यू कैन कॉल मी। सो चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज्ञा लेती हूँ आप लोगों से। थैंक यू ऑल एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।